नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। जम्मू कश्मीर की खबरों में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जख्मी हुआ क्या इस धमाके में? मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया एक दो आदमी इंजर्ड हुए। आप कहाँ थे जिस वक्त धमाका हुआ? मैं यहाँ आगे बैठा। अच्छा, आवाज आई थी आपको? आवाज बहुत जोर से आ गई। हमने समझा ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम है जी, लेकिन एकदम वहाँ से कुछ लोग भागे, यहाँ से कुछ भागे। हम आगे चले तो यहाँ देखा फौजी खड़ा हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुल्लन गांधरबल में मुठभेड़ के दौरान आतंकी जो फरार हो गया था, सुरक्षा बलों ने उस आतंकी को शुक्रवार की देर रात को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एनआईए के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के आतंकी निसार डार को शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। वो कुल्लन गांधरबल में एक मुठभेड़ से बच गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए पीडीपी के दो नेताओं की नजरबंदी हटा ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि पीडीपी के दो नेताओं अशरफ मीर एवं रफीक मीर को घरों से बाहर से पुलिस का पहरा हटा दिया गया है और अब दोनों नेता अपनी दैनिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोहिंग्याओं के अवैध रूप से जम्मू कश्मीर तक के बसने के मामले की जांच होगी। हर हाल में रोहिंग्याओं को देश से जाना होगा। जम्मू में सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने कहा कि कई राज्यों से होते हुए रोहिंग्याओं का जम्मू में भी बसना जांच का विषय है। इस बाबत बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इनको जम्मू में किसने बसाया, इसके पीछे राजनीतिक साजिश और जम्मू की जनसंख्यिकी में बदलाव की भी मंशा हो सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में पिछले 5 महीने से मोबाइल इंटरनेट बंद होने से बच्चों और युवाओं की दुश्वारियां तो बड़ी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि उनके स्वभाव में बदलाव आया है। अभिभावकों की माने तो परिवार में अधिक समय देने लगे हैं, माता पिता भाई बहन के साथ समय बिताने लगे हैं, खेल के मैदान भी गुलजार हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से चलिए लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान की श्री ननकाना साहब में भीड़ ने सिखों के पवित्र स्थल श्री ननकाना साहब गुरुद्वारे पर पथराव किया और सिखों के खिलाफ नारेबाजी की। इस कारण पहली बार शबद कीर्तन बंद करना पड़ा। इस गिरी हुई हरकत को देखते हुए जम्मू में सिख समुदाय के लोगों में रोष है। जम्मू में सभी सिख संगठनों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता आयोजन कर कठोर शब्दों में इसकी निंदा की है। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहब पे पथराव किया, उसनू सारा सिख जगत, जम्मू कश्मीर दियां सिख संगतां, वखरियां वख आर्गनाइजेशनां, स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े जोरदार लफ्जा नाल इसनू कंडम करदे आ। जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से अपनी बाहें फैलाता जा रहा है। आए दिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद भी तस्कर ये नशा समाज में फैलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा युवा वर्ग फंसता चला जा रहा है। लोगों को नशे से दूर करने के लिए कश्मीर के कुछ नौजवानों ने कश्मीर टू कन्याकुमारी बाइक रैली निकाली। उनका मेन मकसद देश और जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स के दुश्वारियों से अवगत कराना है। जो भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिनसे उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इस हिंदुस्तान की ज़िंदगी, इस हिंदुस्तान को खोखला कर चुका है। हमारा जो माहौल है आसपास का, वो पूरा गंदा हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी ड्रग्स यूज़ ना करे। जम्मू में आज नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी गो बैक के नारे लगाए, साथ ही कहा कि छोड़ो हमारा जम्मू प्रदेश। वहीं इन्होंने बीजेपी की दोगली नीति के खिलाफ भी विरोध किया। 5 सालों से
बीजेपी सरकार द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहां से बाहर निकाला जाएगा। जब जब भी लोग एतराज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कोई ना कोई बयान दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको यहां से डिपोर्ट किया जाएगा। हकीकत यह है कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी बीजेपी सरकार द्वारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। कश्मीर क्षेत्र के केनुसुआ की सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि पुल पर कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, इसकी वजह से यहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसकी वजह से ही ये कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दौड़ते दौड़ते आ गए यहाँ पे, यहाँ गाड़ी एक इसमें नहर के किनारे में गई। लेकिन हमने पहले भी डिपार्टमेंट RMB से बहुत रिक्वेस्ट किया है, एप्लीकेशन डाली है, प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने टच से मस नहीं हुए। हमने बहुत हाई अप्रोच भी किया है क्योंकि ये जो पुल है यहाँ पे, ये पूरा खस्ता हाल हुआ है। इसका जो साइड प्रोटेक्शन थे वो नीचे गिरे हुए हैं। कश्मीर क्षेत्र के वेटलैंड्स में हर साल की तरह मध्य एशिया, चीन, उत्तरी यूरोप व अन्य देशों से 3 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी होक्सर, वूलर झील, डल झील, मानसबल और शालबाग में पहुंचते हैं। ये खूबसूरत पक्षी कीड़ों और मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं और ये सब एक खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं जिन्हें देख कर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कश्मीर घाटी में आज श्रीनगर डिवकॉम ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि श्रीनगर और अनंतनाग से कुछ लोग शांति को भंग करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों में पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं, आई हैव टोल्ड इन वेरी अनइक्विवोकल टर्म्स, और मैं आज भी बता रहा हूँ इन वेरी क्लियर अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकल टर्म्स कि जो भी ऐसे र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए पकड़ा जाएगा या पता लगेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जम्मू के नरवाल में लोगों द्वारा की गई एनक्रोचमेंट में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस एनक्रोचमेंट ड्राइव में प्रशासन ने नरवाल में स्थित कई सारी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया। ये सारी दुकानें सरकारी जमीन को एनक्रोच कर बनाई गई थी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। नमस्कार।